तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का ब्लॉग, नौलखा मंदिर जो है दानापुर कैंट में। आज के ब्लॉग में हम आपको ले जा रहे हैं नौलखा मंदिर जो है दानापुर कैंटोनमेंट एरिया में, जो कि है आर्मी एरिया। चलिए आपको लेके चलते हैं, भगवान के दर्शन कराएंगे। हम लोग आ चुके हैं अब नौलखा मंदिर जो है दानापुर कैंट मनेड के साइड। आपको गेट पे ही दिखेगा ये रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। ये बहुत ही कम ही लोग जानते हैं ये मंदिर, क्योंकि बहुत अंदर है कैंटोनमेंट एरिया में, जो कि आर्मी साइड, इसीलिए। ये देखिए BRC नौलखा मंदिर। आप यहाँ टाइमिंग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, वो देख सकते हैं आप, मंदिर हम लोग सामने दिख रहा है। और आपको भजन भी सुनाई दे रहा होगा जो मंदिर में बज रहा है। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, एकदम बगीचा टाइप यहाँ बनाया गया है, बहुत अच्छा है। जब भी आप आएंगे तो आपको यहाँ बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून मिलेगा आके। ये देखिए एरिया में हवन किया जाता है, हवन कुंड बना हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, तो मंदिर के अंदर जाने से पहले हम लोग अपने यहाँ पैर हाथ धो लेते हैं, अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, फिर आगे मंदिर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर गणेश जी का मूर्ति देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में, ओम गणपते नमः। चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। नौलखा मंदिर लगभग 70 साल पहले स्थापित किया गया था। इस मंदिर को नौलखा मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय 9 लाख रुपए की लागत से इस मंदिर का निर्माण हुआ था, इसलिए इस मंदिर को नौलखा मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर दानापुर बस स्टैंड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीड़ है, राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया। मंदिर में विराजमान श्री राम लक्ष्मण माता जानकी और हनुमान जी की मूर्ति संगमरमर से बनी है। इस मंदिर की देखरेख सारे आर्मी के जवान करते हैं और यहाँ के पूजा पाठ भी आर्मी के जवान ही करते हैं। इस मंदिर में आकर आपको यहाँ पे तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं राम जी की, और यहाँ पे ये गीता के श्लोक भी लिखे हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ अब भगवान की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ अंदर चल के हमें दिखते हैं कृष्ण जी और राधे जी की मूर्ति। और अगर आपने मेरे स्कॉन का ब्लॉग नहीं देखा है जो कि दिल्ली में है, तो आई बटन में आके चेक कर सकते हैं। यहाँ के दीवारों पे बहुत ही सुंदर मधुबनी पेंटिंग देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं विष्णु जी संग लक्ष्मी माता। और आप इस पेंटिंग को देख के आनंद ले सकते हैं, और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर से ये बनाया गया है। ये रहे कृष्ण जी के रूप जगन्नाथ जी, और आपने ये देखा ही होगा जगन्नाथपुरी रथ यात्रा जो 20 जून को आने वाला है। चलिए भगवान जी को थोड़ा झूला झुलाया जाए। नौलखा मंदिर के दीवारों पे आपको ये बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो रामायण कथा को पूरी दर्शाती है। तो मंदिर को पूरा अंदर से देखने के बाद अब हम लोग बाहर निकलते हैं और शिव जी के दर्शन करते हैं।
आप जब भी शिवलिंग के दर्शन करते हो इस बात का ध्यान रखें कि आप शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना लगाएं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं संकट मोचन के आशीर्वाद लेने। जय श्री राम। और ये आप देख सकते हैं मंदिर बहुत ही जगमग कर रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, और बाहर से ये बहुत ही सुंदर नजारा मंदिर। इसी साथ हम लोग मंदिर के दर्शन करके अब बाहर प्रांगण में आया। दोस्तों ये हमारा आज का व्लॉग नौलखा मंदिर जो दानापुर कैंट आर्मी एरिया में। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।